हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष सिंह ब्राड और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 324 एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली यू विल फाइंड बेसिक इंफॉर्मेशन हेयर कि करंटली हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो सुनील अरोड़ा है, 23rd इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। तो आज का जो मेन टॉपिक है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैंपेन को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन कैंपेन को बंद करवा दिया है एक दिन पहले, यूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 324, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सो इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने होम सेक्रेटरी और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटी से रिमूव भी कर दिया है। तो ये दो कारण अभी भी हुए हैं, इस वजह से हमें पढ़ना है। सो बेसिक क्वेश्चंस क्या रहेंगे कि कौन सी पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को दे रखी हैं, और हाउ आर्टिकल 324 पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, बिकॉज वेरियस केसेस वहां पे हुए हैं, और इलेक्शन कमिश्नर किस पावर को यूज करके ऑफिसर ऑन ड्यूटी को रिमूव कर सकता है, इसकी बात करेंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इलेक्शन प्रोसेसेस को मॉनिटर करता है। कौन से इलेक्शन है? लोकसभा के इलेक्शंस जो भी है, पार्लियामेंट्री सारे इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन इलेक्शंस है, उनके सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करने वाली बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑन इंडिया। और करंटली अगर आप बात करिए तो इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 विद ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज एन पर्सन। 1989 ऑनवर्ड्स हमने दो इलेक्शन कमिश्नर्स को ऑड ऐड कर दिया जिनको हम इलेक्शन कमिश्नर्स कहते हैं। तो प्राइमरीली राइट नाउ इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है जिसमें एक सीईसी रहता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर मैं रिमूवल की बात करूं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इट इज रिमूव्ड इन अ मैनर जस्ट लाइक अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आप देखिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, सिमिलरली हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 3/4 मेजोरिटी की जरूरत है। इलेक्शन कमिश्नर जो है, अदर इलेक्शन कमिश्नर जो दो बंदे हैं, उनको हम डायरेक्टली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर रिमूव कर सकते हैं। और हाँ, जो डिसीजन लिया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लेता है वो मेजोरिटी से लेते हैं। अब मेजोरिटी क्या होगी, 3 बंदों में 2 बंदे जिस तरफ की बात करेंगे, 2 पर्सन जिस तरफ की बात करेंगे, तो वो एक मेजोरिटी है। अब इलेक्शन कमीशन की पावर्स की अगर बात करें तो पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 टू 329 डील्स विद द पावर्स ऑफ एंड डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेसेस इन इंडिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन की पावर्स भी डिवाइडेड है। आर्टिकल 324 जो मेन न्यूज में है, जो मेन हमारा टॉपिक है, वो क्या कहता है, तब हम बात करेंगे आर्टिकल 324 की, वो क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इलेक्शन कमीशन को पावर दे रखी है, तो आर्टिकल 324 डायरेक्टली सेज डायरेक्ट कंट्रोल एंड कंडक्ट elections, direct control and conduct elections to all the parliament, to the legislative assembly of state, elections offices of president, vice president held under constitution, यानी कि सारे elections जो parliament के होते हैं, all parliamentary elections, state legislative assemblies के elections and प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे जो सारा प्रोसेस कंट्रोल करता है वो इलेक्शन कमीशन है, ऐसा आर्टिकल 324 में लिखा गया है। राइट, इसको लेजिस्लेशंस में लाने के लिए डिफरेंट एक्ट्स भी पास किए गए। 2 तरीके के एक्ट्स हमारे पास है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, अगेन इसमें बहुत सारा डिटेल में लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आया था, ये 2 तरीके के लेजिस्लेशंस है जिनको हमने टाइमली अमेंड भी किया है टू relevant changes according to the time. अब ऐसा ही सच अमेंडमेंट आया था, और बेसिकली इस बात को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो ऑफिसर्स को रिमूव कर रहा है तो उसमें कौन सी पावर यूज करेगी इलेक्शन कमीशन ने। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1988 में अमेंड किया गया था, इसमें एक नया सेक्शन एड हुआ, सेक्शन 28A, जिसमें आरपी एक्ट 1951 में ऐसा बोला गया है कि जो भी पर्सन ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के साथ काम करता है ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो दे वर्क एज अ डिप्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन उन डिप्यूटी ऑफिसर्स को रिमूव कर सकता है जब उसको लगता है कि समथिंग फिशी इज गोइंग अराउंड। ठीक है, तो ये पावर सेक्शन 28A ऑफ आरपी एक्ट ऑफ 1951 में एड करा गया था। ये इस अमेंडमेंट में और बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जस्ट लाइक वोटर एज भी
जो है वो भी कम किया गया था, तो अकॉर्डिंगली आपने इसको पढ़ लेना है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहता है, तो एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज मोहिंदर सिंह गिल एंड अनवर वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यू दिल्ली केस था। इस पर्टिकुलर केस में 324 आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करा, इंटरप्रेट करा, तो वो कहता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सेट की जो बहुत सारे एरियाज है जो अभी लेजिस्लेशन में एंटर नहीं किए गए हैं, जिसमें लेजिस्लेशन अभी होना है, तो वो एरियाज आर्टिकल 324 में डाले गए हैं। तो डायरेक्ट टर्म्स जो है सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल एज वेल एज कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस, ब्रॉडन टर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं देता है एज फार एज दिस टर्म्स आर कंसर्न, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट सेड कि प्लेनरी प्रोविजंस हैं, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन इज द सोल बॉडी जो कि नेशनल और स्टेट इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो नेसेसरी पावर्स इन एक्शंस को, इन पावर्स को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी पावर्स इलेक्शन कमीशन को दी गई है आर्टिकल 324। तो अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना 324 में कि इलेक्शन कमीशन के पास इन तीनों चीजों की पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 324। अगेन एक पुराना केस है एन पी पुन्नास्वामी केस 1952 का, अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि वो लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एज फार एज इलेक्शन कमीशन और इसका फंक्शन इज कंसर्न, ठीक है, जब तक कोई बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। सिमिलरली अभी बंगाल के इलेक्शंस को इन्होंने डिले करा इलेक्शन कमीशन ने, सॉरी डिले नहीं करा, बंगाल के इलेक्शंस को इन्होंने अभी एक दिन पहले उसकी कैंपेनिंग बंद कर दी है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा बिकॉज ये इट्स अ ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने इसको डिस्चार्ज किया, इट्स देयर कॉल, ऐसा इस केस को रिकॉल किया जा सकता है, ठीक है। एट द एंड अब इलेक्शन कमीशन का वो रिलेवेंट टॉपिक खत्म हो गया, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स जो इलेक्शन कमीशन देता है ड्यूरिंग द पॉलिटिकल कंडक्ट, जब पॉलिटिकल इलेक्शन होते हैं तो एक कोड दिया जाता है जिसमें लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट में जो वेरियस बिहेवियर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है, रिलीजन, कास्ट के नाम पे वोट्स नहीं मांगने, लिखकर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, दंगे भड़काऊ भाषण नहीं देने वगैरह वगैरह, या वो अपने कोड को बार बार इन्होंने हर बार अमेंड करा है, बहुत बार अमेंड करा है, उसमें जो लिखा गया वो पॉलिटिकल पार्टीज पे इन्फोर्स करता है इलेक्शन कमीशन। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्टली 1960 में केरला असेंबली इलेक्शंस में ऑप्ट करा गया था, फॉलोइंग दैट इलेक्शन कमीशन ने मिड टर्म इलेक्शंस 1968 और 1969 में इसको वाइडली एक्सेप्ट करा था। सिंस देन हम हर बार इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है हमारे यहाँ पे इलेक्शंस पहले। अब इज इट लीगली बाइंडिंग, तो ये गलत बात है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली बाइंडिंग नहीं है, कोई स्टेचुटोरी बैकिंग नहीं है। रिसेंटली ये न्यूज बार बार क्यों आती है, बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी सिग्निफिकेंस में आ चुका है बिकॉज इलेक्शन कमीशन इसको बहुत अग्रेसिवली इन्फोर्स करता है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करता है, जो कैंडिडेट्स इसको नहीं मानते उनको टेम्परेरीली कैंपेनिंग से बैन कर दिया जाता है, या स्क्रूटनी होती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन किसने करा, तो मोस्ट ऑफ देम कभी क्लीन चिट दे दी जाती है, कभी कभार जो वॉयलेट मिलता है तो उसको बैन कर दिया जाता है टेम्परेरीली। बट सम ऑफ द कोड्स, अगर आप कंप्लीटली, मैं इसको इलीगल नहीं बोल सकता, लीगली बाइंडिंग से बाहर नहीं बोल सकता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस में से कुछ ऐसी ऑफेंसेस हैं जो हमारे लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर्स लेजिस्लेशंस हैं वहां पे ऐड करी गई है। मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में वो ऑफेंसेस मेंशनड है, तो इन दैट केस ये लीगली हो जाएगा, वहां पे अगर किसी ने वो 1951 में मेंशन वाला ऑफेंस करा तो उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंगली। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिलेटेड इशू चल रहा था। फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, उसका लिंक आपको फ्लैश हो रहा होगा साइट पे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।